नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव के पंचांग श्रृंखला में। हम आपका इस श्रृंखला में दैनिक पंचांग से अवगत कराएंगे। पंचांग का पूजा, मांगलिक कार्य एवं मुहूर्त में खास महत्व होता है। पुरातन काल से ही पंचांग देखे बिना कोई कार्य संभव नहीं होता था, जो लगभग आज भी कायम है। पंचांग के 5 अंक नक्षत्र, तिथि, योग, करण व वार होते हैं, जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत है। आज का पंचांग है 12 अगस्त 2022 का। अभी विक्रम संवत 2079 और शक संवत 1944 चल रहा है। तिथि आज पूर्णिमा है, जो कि प्रातः 7:06 तक रहेगी। उसके उपरांत प्रतिपदा लग जाएगी, जो कि 13 अगस्त की प्रातः 3:48 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वितीया लग जाएगी। वार शुक्रवार है, मास श्रावण है, ऋतु वर्षा है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। सूर्योदय प्रातःकाल 5:55 पे है और सूर्यास्त सायंकाल 6:55 पर। चंद्रोदय सायंकाल 7:30 पे है और पूर्णिमा होने की वजह से आज चंद्रास्त नहीं। नक्षत्र धनिष्ठा है, जो कि 13 अगस्त की रात्रि 1:36 तक रहेगा। उसके उपरांत सद्भिषा लग जाएगा। योग सौभाग्य है, जो प्रातः 11:33 तक रहेगा। उसके उपरांत शोभन लग जाएगा। करण भाव है, जो कि प्रातः 7:06 तक रहेगा। उसके उपरांत बालव, जो कि सायंकाल 5:25 तक रहेगा। अब जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अभिजीत दोपहर 12 बजे से 12:53 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:38 से 3:31 तक। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 6:48 से 7:12 तक। अशुभ मुहूर्त राहुकाल प्रातः 10:48 से 12:25 तक। यमगंड दोपहर 3:40 से 5:18 तक। कुलिक काल प्रातः 7:33 से 9:10 तक। सूर्य भी कर्क राशि में है और चंद्र मकर राशि में, जो कि दोपहर 2:50 तक रहेगा। उसके उपरांत चंद्र मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। दिशासुर पश्चिम में है। स्वास्थ्य पश्चिम की तरफ जाने वालों को सुझाव है कि उस ओर जाना स्थगित कर दें। अग्निवास पाताल में है। हवन आदि कर्म के लिए यह उपयुक्त समय नहीं। अब जानते हैं आज का व्रत त्योहार। आज पूर्णिमा सुबह 7:06 तक है। जिन्होंने कल भद्रा होने की वजह से या किसी और वजह से रक्षाबंधन त्योहार नहीं मनाया है, वो आज भी यह त्योहार मना सकते हैं प्रातः 7:06 तक। अब जानते हैं आज जन्म लिए बालक बालिका का फल। 12 अगस्त की प्रातः 4:08 से 13 अगस्त की रात्रि 1:36 तक जो बच्चा जन्म लेगा, वह धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मा बच्चा है। इनका जन्माक्षर गा, गी, गु, गे। ये स्वभाव से बहुत ही नरम दिल एवं संवेदनशील होंगे। ये दानी और आध्यात्मिक होंगे। इनका रवैया अपने प्रियजनों के प्रति बेहद सुरक्षात्मक होगा, किंतु फिर भी ये दूसरों के लिए जिद्दी और गुस्सेल रहेंगे। ये धनवान, नेक काम करने वाले, साहस और स्त्रियों के बीच लोकप्रिय होंगे। यदि यह कन्या है तो अपनी सुंदरता की वजह से पुरुषों के बीच लोकप्रिय रहेगी। इन्हें आभूषण पहनने का बहुत शौक होगा। ये सरकारी नौकरी में उच्च पदों तक पहुंचेंगे। यह हंसमुख, मिलनसार व सामाजिक होंगे, इसलिए अकेले रहना इनको पसंद नहीं होगा। लोगों के साथ घुलना मिलना इनको अच्छा लगता है। हर समय कुछ न कुछ करते रहना इनकी आदत में है। अपनी लगन एवं क्रियाशीलता के कारण ये अपनी मंजिल प्राप्त करने में सफल रहते हैं। यह काफी महत्वाकांक्षी हैं और कुछ मन में ठान लेते सब पूरा करके ही मानते हैं। स्वास्थ्य आमतौर पर सामान्य होता है। इन्हें कफ जनित रोग की संभावना रहती है। खान पान में रक्त बढ़ाने वाले पदार्थ का सेवन करना इनके लिए फायदेमंद होता है। अब जानते हैं आज का शुभ चौघड़िया। कर 5:54 से 7:32 तक। लाभ 7:32 से 9:10 तक। अमृत 9:10 से 10:48 तक। शुभ 12:25 से 2:03 तक। चर 5:18 से 6:55 तक। रात का चौघड़िया। लाभ 9:40 से 11:03 तक। शुभ 12:26 से 1:48 तक। अमृत 1:48 से 3:11 तक। चर 3:11 से 4:33 तक। आपको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कमेंट करके बता सकते हैं या मेल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले आकर्षक वीडियो का पता आपको जल्द से जल्द चल सके। धन्यवाद।